चलो अभी दिख रहा है सही से बोर्ड? रेन मैन टाइप प्रॉब्लम। हम लोग एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। व्हेन विंड इज ब्लोइंग, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। हमने कहा था रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ है, विंड इज नॉट ब्लोइंग या जो भी है उसको हम लोग कंसिडर नहीं किए थे। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या विंड के ब्लो करने से रेन ड्रॉप का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या चेंज होगा क्या। तो समझना, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन एयर, ये जो हमारा ये है मीडियम वो एयर के मीडियम में, और विंड के रेस्पेक्ट में अगर विंड नहीं ब्लो कर रहा है और सपोज रेन ड्रॉप्स वर्टिकली आ रहा है तो रेन विंड के रेस्पेक्ट में भी वर्टिकल है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी वर्टिकल है, एयर के रेस्पेक्ट में भी वर्टिकल, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी वर्टिकल। बट सपोज विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, अब बताओ कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तुम रेस्ट में खड़ा हो तुम्हें क्या दिखेगा, रेन ड्रॉप्स अभी भी वर्टिकल दिखेगा या रेन ड्रॉप्स को एयर जो है विंड विल ब्लो इन दिस डायरेक्शन, यू विल फाइंड दैट रेन ड्रॉप्स लुक्स लाइक दैट कमिंग इन दिस वे, विंड विल शिफ्ट, विंड विल ड्रिफ्ट द रेन ड्रॉप्स। लेकिन अगर कोई कहे कि हम एयर के रेस्पेक्ट में चले गए विंड के रेस्पेक्ट में चले गए तो विंड के रेस्पेक्ट में एयर ड्रॉप्स का वेलोसिटी वही दिखेगा वर्टिकल, जैसे हम लोग रिवर वाटर में डिस्कस कर रहे थे, रिवर मैन में डिस्कस किए थे कि वाटर के रेस्पेक्ट में अगर मैन ऐसे स्विम कर रहा वाटर के रेस्पेक्ट में एंड वाटर इज स्टिल वाटर, तो ग्राउंड का आदमी देखेगा कि ये इधर जा रहा है और वाटर में जो बैठा हुआ आदमी है वुडन प्लॉक पे प्लांट पे वो भी देखेगा इधर जा रहा है। बट इफ द होल वाटर इज फ्लोइंग, मतलब रिवर फ्लो कर रहा है डायरेक्शन में वी आर से एंड वुडन प्लैंक के रेस्पेक्ट में अगर ये इधर जा रहा है लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, द होल वाटर विल शिफ्ट द बोट, विल शिफ्ट द मैन इन दिस डायरेक्शन, सो इसका नेट वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर हो जाएगा। यहां भी वैसा ही होगा, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा बच्चों, एक होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड, जैसे यहां पे होता था वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, यहां पे रेन बोल रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू विंड। दूसरा होगा कॉन्सेप्ट वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और तीसरा कॉन्सेप्ट होगा तीसरा वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ये तीन वेलोसिटीज में रिलेशन लिखना है क्या रिलेशन होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। If VWG will change, then क्या change होगा, अगर wind का velocity ground के respect में change हो रहा है तो ये वाला change होगा कि ये वाला change होगा, ये वाला constant रह जाएगा, जैसे
रिवर के रेस्पेक्ट में तुम वीबी से बोट को रो कर सकते हो, रिवर के रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। अगर वाटर स्टिल वाटर है तो तुम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी वीबी से जाओगे, बट इफ द रिवर इज फ्लोइंग तो ग्राउंड से इसका वेलोसिटी अलग हो जाएगा, बट रिवर के फ्रेम में ये वीबी ही रहेगा। सो यहां पे मैं समझा रहा हूं, यहां पे दिक्कत होता है बच्चों को, वी आर जी विल चेंज, वी आर डब्ल्यू विल रिमेन सेम। क्या ये क्लियर हुआ? माइक से क्लियर। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या अगर VWG ये चेंज करेंगे तो ये सेम रह जाएगा और ये चेंज हो जाएगा? लेकिन याद करो जब हमने पढ़ाया था मैन वाला, velocity of rain with respect to ground is equal to velocity of rain with respect to man plus velocity of man with respect to ground. अगर इसको चेंज करते थे तो ये चेंज होता था, ये कॉन्स्टेंट रहता था, बिकॉज मैन के वेलोसिटी से रेन ड्रॉप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंद्र भगवान तुम्हारे दौड़ने से अपना रिएक्शन चेंज नहीं करेंगे, बट इफ विंड इज ब्लोइंग, अगर विंड नहीं ब्लो कर रहा, तुम देखोगे रेन ड्रॉप्स वर्टिकली फॉल कर रहा है। व्हेन विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तुम देखोगे रेन ड्रॉप्स भी ईस्ट टू वेस्ट के डायरेक्शन में इंक्लाइन है। तो ये तुम थोड़ा सा विजुलाइज भी कर रहे होगे और फॉर्मूला से भी मैंने ये समझाया। एक सवाल लेते हैं, लिखो एक सवाल। अब सेंस क्या था? ए बी एस सी एन स्पेलिंग हमेशा सही लिखा क्या? हाँ सर। इन एब्सेंस ऑफ विंड, इन एब्सेंस ऑफ विंड रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली with a speed 10 kilometer per hour. Now, wind starts blowing from west to east with a speed 5 kilometer per hour. Find velocity of raindrop with respect to
with respect to ground. At what angle rain are, at what angle with vertical rain are falling with respect to ground? तो ये हैंडराइटिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही है, या इससे बड़ा लिखूं? दिख रही है सर। ये कौन सा बोर्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे घर पे जो चलते हैं, ग्रीन बोर्ड या ये वाला व्हाइट बोर्ड? चलो सबका अलग अलग पॉइंट है। प्रथमेश ने कहा सर ग्रीन बोर्ड अच्छा था, अमोल ने कहा सर व्हाइट वाला बोर्ड अच्छा है, चलो रुद्राक्ष ने कहा व्हाइट बोर्ड, घर पे नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा था, पल्लवी ने भी कहा व्हाइट बोर्ड ज्यादा अच्छा। चलो चलो सारे बच्चों ने अपना व्यूज दिया है, ऐसे व्हाइट बोर्ड को ही ज्यादा पॉइंट मिला है, ग्रीन बोर्ड को दो तीन बच्चों ने अच्छा कहा। चलो इसमें मुझे एक चीज फायदा, मुझे क्या फायदा होगा कि मुझे विड्थ ज्यादा मिल जाएगा, मैं ज्यादा चीज लिख सकता हूँ, ये बोर्ड बड़ा है। देखो ये एग्जैक्टली क्या है, अब इस सवाल में समझना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है जब इन अब्सेंस ऑफ विंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन अब्सेंस ऑफ विंड, मतलब दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड। When wind will start blowing, ये वाला velocity यही रह जाएगा, लेकिन ground के respect में rain का velocity change हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा velocity of rain with respect to ground is equal to velocity of rain with respect to wind plus velocity of wind with respect to ground. Velocity of rain with respect, पहले ये वाला draw कर लेते हैं, this is velocity of wind with respect to ground, और ये कह दिया 10, और wind is blowing with a speed कितना है 5, so this will be velocity of rain with respect to ground।
5√5. So इसमें ये कितना एंगल हो जाएगा थीटा या फाइव लिखू. So tan फाइव will be ये फाइव to ये फाइव. Tan फाइव is equal to 5/10, that is equal to 1/2. और VRG इस डायग्राम से 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट. सो 5 √5 किलोमीटर पर आवर. दिस इज योर आंसर. सो बच्चों तुम्हारे पास सबके पास बुकलेट होगा रिलेटिव मोशंस का. क्या करते हैं कुछ सवाल बुकलेट से लेते हैं, बुकलेट्स के डाउट्स ले लेते हैं क्लास में. फर्स्ट सवाल का है During rainstorm, raindrops are observed to be striking the ground at angle theta with vertical. During rainstorm, rain raindrops are observed to be striking the ground at angle theta with vertical. So this is velocity of rain with respect to ground. A wind is blowing horizontally at a speed 5 m/s. ये ground के respect में rain drops है and wind is blowing horizontally. Velocity of wind with respect to ground. ये कितना है 5 m/s. अब सुनना, अगर विंड नहीं ब्लो होता, नॉर्मल केस समझो, इफ विंड इज नॉट ब्लोइंग, तो उस केस में सर्टनली रेनड्रॉप्स का वेलोसिटी कैसा होता, वर्टिकल होता. अगर विंड ब्लो कर रहा है तो विंड के रेस्पेक्ट में रेनड्रॉप्स कैसा होगा, वर्टिकल. तो सर्टनली मुझे ये पता है ये वर्टिकल लाइन है. दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, सॉरी रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड. पूछा क्या है यहां पे, ये पूछा ये वर्टिकल कॉमन सेंस से निकाला, पता दिया नहीं है सवाल में, बट मुझे पता है कि अगर विंड नहीं ब्लो करता तो वर्टिकल होता. ये फाइव है, ये एंगल थीटा, दैट मीन्स दिस एंगल इज थीटा. So what is VRG? तो इस ट्रायंगल में देखो क्या लिखोगे, ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर है. So 5/VRG, that is equal to sin theta लिख सकते हैं. VRG that is equal to 5. Sorry, 5/sin θ. So इसका आंसर चेक करो. फर्स्ट सवाल यही होगा. बच्चों ये क्वेश्चन 2 रिकॉर्ड नहीं हुआ,
मैं एक बार बोल देता हूं इसमें कि ये कार का विंडशील्ड है, मतलब ये शीशा लगा हुआ जो कि वर्टिकल दिया हुआ। मैं ऐसे भी सवाल कराऊंगा जहां पे इंक्लाइंड है। द कार इज मूविंग विद दिस स्पीड, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको कन्वर्ट कर सकते हो मीटर पर सेकंड में। बिकॉज रेन का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दिया है एंड वर्टिकल है। यू नो दिस रिलेशन, मैंने बताया कि वी आर सी निकालना है कि कितने एंगल पे आ रहा है। फाइंड द एंगल एट विच रेन ड्रॉप्स विल हिट द विंडशील्ड, इसके बारे में निकालना है। व्हाट वी नो वी आर जी रेन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ऑल्सो वी नो इट इज गिवन दैट वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैंने जो नोन था वो इसको ड्रॉ कर लिया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें ये वाला वेक्टर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यही वेक्टर है। ये थीटा निकालना था, टैन थीटा। जानवी ने कहा सर थोड़ा टफ लग रहा है। जानवी टफ नहीं है, एक दूसरी बार भी अटेम्प्ट करो। देखो क्या कहा है, कह रहा है कि अगर तुम खड़े हो तो रेन ड्रॉप्स वर्टिकल से 30 डिग्री पे आते दिख रहा है। तुमने ऐसे होल्ड किया अम्ब्रेला वर्टिकल से 30 डिग्री पे, फिर लगा नहीं यार थोड़ा दौड़ के चलते, तुमने अम्ब्रेला थ्रो कर दिया और भागना शुरू किया। तो तुमने इधर दौड़ना शुरू किया, अब तुझे लग रहा है कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकली आ रहा, वर्टिकली इट सीम्स टू यू। तो जब रेस्ट में थे तो ये था, तो इसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रेस्ट रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो तुम्हारे रेस्पेक्ट में था बट तुम रेस्ट में थे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो जो तुम्हें उस समय दिखा वही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बट जब तुम दौड़ना शुरू किए तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो वही रहेगा। तो ये वेक्टर यही है, और वी आर जी इज इक्वल टू होता है वी आर एम प्लस वी एम जी। इसमें कौन सा वेक्टर ऐड करें, वर्टिकल वेक्टर ऐड करें, ये कहा वर्टिकल है तो ये आ जाएगा। अब इसमें ये नोन है, ये पूछा है और ये एंगल दिया हुआ, तो साइन वाला लिख लोगे। अब इसमें मैं सवाल पुट कर देता हूं, मैं टेस्ट में पूछ लूंगा। तुमने तो अम्ब्रेला को थ्रो करके फेंक दिया, याद आए कि घर पे जाएंगे तो मम्मी दो तमाचे लगाएगी, बोलेगी अम्ब्रेला छोड़ के कहां से आए, लगा नहीं यार मम्मी के दो तमाचे खाने से अच्छा है कि अम्ब्रेला ले आते हैं। तो तुम्हें मन क्या नहीं यार जाके अम्ब्रेला जहां छोड़ा तो ले आते, तो बैक मुड़ गए और फिर उसी स्पीड से 10 किलोमीटर स्पीड से दौड़ना शुरू किया। अब तुम्हें रेन ड्रॉप्स किस स्पीड से आते दिखेगा, तो इसमें बी पार्ट लिखो अपने मन से। नाउ द मैन रिटर्न बैक एंड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैच द अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला लेना है उसको। सो एट व्हाट एंगल एंड विथ व्हाट स्पीड रेन ड्रॉप्स अपीयर्स टू कमिंग टू हिम। सो इसमें सेकेंड केस क्या कहा, उसने रिटर्न बैक हुआ उसी स्पीड से चला 10 किलोमीटर पर आवर से, रेन ड्रॉप्स किस स्पीड से उसको हिट कर रहा और कितने एंगल पे आ रहा है। तो एंगल निकाल लिए, और स्पीड अगर निकालना है सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इन सेकंड केस दैट विल बी इस डायग्राम में दिख रहा है, ये निकालना है
this square plus this square. 20 square plus 10 root 3 का square का root. So 10, I think root 7 आ रहा होगा. बच्चों मैंने अभी एक डायग्राम ड्रॉ किया, तुम लोग हंसोगे मेरा डायग्राम तो बहुत ही बेकार ड्रॉ करता है, मैंने कभी ड्रॉ किया नहीं है, ऐसे स्केचिंग किया नहीं है. मैं एक्चुअली ये बनाना चाह रहा था कि एक देश है शिप और उसपे एक फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग है. ठीक है, और अगर मैं कहूं कि सपोज विंग इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये हो गया सपोज ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया वेस्ट डायरेक्शन. If wind is blowing in this direction, तो flag ऐसे fly करेगा. अगर wind east से west में होकर के west से east होता तो इधर fly करता. अगर मैं कहूं कि east west इधर हो गया, अब north south लेता हूं, तो मैं पोल को अभी इधर बता रहा हूं, पोल इज दिस, वर्टिकल को इधर ले लेता हूं. इसे ये इधर के जगह पे वर्टिकल अभी इधर दिखा रहा हूं, इसके जगह पे मैं ऐसे दिखा रहा हूं, और शिप सपोज इधर मूव कर रही है ईस्ट के डायरेक्शन में. एंड विंड इज ब्लोइंग सपोज इन दिस डायरेक्शन, wind is blowing from south to north, ऐसे. अगर ship rest में होता तो हमारा flag ऐसे fly होता, जैसे मैं कह रहा हूं कि ऐसे हो रहा है तो इधर fly करता. लेकिन ship is also moving in this direction with velocity v naught. Wind is blowing with a speed vw. तो बताओ कि ये जो फ्लैग फ्लाई होगा तो वो किस डायरेक्शन में होगा, कैन यू गेस? सपोज मैंने कहा भी कि विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और वीडब्ल्यू भी वैल्यू में सपोज ये दे दिया 10 किलोमीटर पर आवर और ये भी दे दिया 10 किलोमीटर पर आवर. जस्ट तुम खुद से समझो कि इमेजिन करो कि फ्लैग किस डायरेक्शन में करेगा फ्लैग. नॉर्थ ईस्ट में करेगा. हाँ. या नॉर्थ वेस्ट में करेगा. नॉर्थ तुम सोचो ना यार, तुम झंडा लेकर के तुम सोचो बाइक पे रहते हो, बाइक पे खड़े रहते हो, ऐसे बाइक ले लो, बाइक पे तुम लोग करते हो और विंड इज नॉट ब्लोइंग तो वो फ्लाई नहीं कर रहा, और तुम बाइक लेके इधर जाते हो तो फ्लैग किधर फ्लाई करता है? पीछे. अगर मान लो तुम खड़े हो और विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तुम रेस्ट में हो तो फ्लैग ऐसे फ्लाई कर रहा है ऐसे, लेकिन जब मूव करना शुरू करोगे तो आगे चला जाएगा या पीछे ऐसे होगा, एंगल पे होगा? पीछे. मतलब जस्ट पहले कहा फिजिक्स में विजुलाइज करना है, विजुलाइज तो करो कि कैसा होता है, तब फॉर्मूला में बताऊंगा. अब बताओ कि तुम सिप इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो फ्लैग
तुमने कहा इधर फ्लाई करेगा, इधर करेगा या इधर करेगा, ये दो ऑप्शन में दे रहा हूं। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में फ्लाई करेगा। मैंने कहा कि विंड सपोज ऐसे ब्लो कर रही है, विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, और तुम फ्लैग लेके वेस्ट में हो, तो फ्लैग कैसे फ्लाई करेगा? विंड के डायरेक्शन में। अगर तुम रेस्ट में हो, विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो विंड विल फ्लैग विल फ्लाई इन दिस डायरेक्शन। रेस्ट में हो, अब तुम्हें विंड किधर मूव करते दिख रहे, इधर, तो इधर फ्लैग फ्लैग फ्लाई करेगा। अब मैं बता रहा हूं, फ्लैग विल फ्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ blow of wind with respect to ship. ship के respect में wind का velocity किधर है, उसी direction में flag fly करेगा। तो ये सवाल generally बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अभी मैंने ये सवाल लिया, ये तो मैं अभी बताता हूं डायरेक्शन क्या होगा। तो वट इज द वेलोसिटी ऑफ द विंड विथ रेस्पेक्ट टू शिप, क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? ये माइनस क्यों लिख दिया? देखो W स्टार्ट में, S लास्ट में नहीं है। इसको लिखना हो तो तुम ऐसे लिखते, प्लस ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू शिप, तो ये तो नहीं दिया हुआ। तो इसमें तुम्हें दिया क्या रहेगा? ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा। तो इसको मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, और शिप विथ रेस्पेक्ट ग्राउंड जो पहले मैंने स्टार्ट में पढ़ाया था। तो ये स्टेटमेंट लिखना है, फ्लाई विल फ्लाई फ्लिटर in the direction of blow of wind with respect to the ship. So kya ho jayega yahan se? Velocity of wind with respect to ground is v naught j cap minus v naught i cap. ye j cap aur plus minus i cap. So kya ho jayega direction? Northwest. Is it clear? बुकलेट का सेक्शन डी का फिफ्थ सवाल। A flag on bus is fluttering in north direction. Velocity of wind with respect to bus is in north direction. Velocity of wind with respect to ground is in east direction. अगर मैं लिखूं यहां से वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिख सकता हूं ना? पिछले में ऐसा लिखा था मैंने, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बस, जो पिछला सवाल ले रहा था, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हियर ये तो सेम ही है। अब सुनना, इसके बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है। इसके बारे में दिया है, इसके बारे में भी दिया है, सो
So velocity of wind with respect bus with respect to ground is equal to kya jaega? Velocity of wind with respect to ground minus velocity of wind with respect to bus. Velocity of wind with respect to ground इधर है इस डायरेक्शन में I cap minus velocity of wind with respect to bus किधर है J cap. तो I cap plus minus J cap. So bus किधर move कर रहा होगा I cap और minus J cap. That means east south के डायरेक्शन में. So which option is correct? D. Priya Patil, सही है तुम्हारा या गलत है? I cap और minus J cap. I cap और minus J cap. That means ये हो जाएगा southeast. चेक करो आंसर. थर्ड आंसर शुड बी करेक्ट.